हाय एवरीवन, तो मैंने आज ये तो देख लिया, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो और इस चीज़ को प्रूफ करूंगा। पर उससे पहले लड़ाई किस बारे में हुई, क्यों हुई, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। मैं सीधा पॉइंट पे बढ़ता हूँ। एलविश ने जो लोकेशन दी थी वो उसके घर की लोकेशन थी या फिर किसी के तो घर की लोकेशन थी, और मेरा इंस्टिंक्ट बोला कि मुझे उसे अपने लोकेशन पर बुलाना चाहिए जो एक पब्लिक लोकेशन। अब मेरे को यही था, भाई जो भी गलतफहमी है डिबेट से सॉल्व करो, अगर आपको लगता है आप सही हो तो आप डिबेट करो, मेरे को लगता है मैं सही हूँ मैं डिबेट करूंगा। तो कुल मिला के शब्दों से ही जीतना था इस चीज को, और मैंने पूरी तैयारी की थी। मैंने वहाँ पे सोफा वोफा सब लगाया था कि जब एलविश भाई आएंगे तो वहाँ बगल में बैठेंगे, ये वो प्लान लगाना। लेकिन जैसे ही वो आए, एक तो अटैक करना शुरू कर दिया, ऊपर से बहुत सारे बंदों के साथ आए, ऊपर से ये भी नहीं था कि वन ऑन वन फाइट हो, उसके साथ उसके कुछ बंदे थे वो भी मदद कर रहे थे उसकी, इस तरीके से मदद कर रहे थे कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे को 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था अगल बगल से। अब जब लड़ाई हुई, लड़ाई के बीच में ही एलविश ने मेरे को लगभग ये अपने घुटनों से नाक पे मारा, कई बार हाथों से मेरे सिर्फ मुंह पे मारा, और जब मारा उसके बाद उसने बगल से एक फ़ोन भी उठाया जो दूसरे एंगल पे रिकॉर्डेड है, और फ़ोन से मेरे स्पाइन पे मारा। और आप सभी को पता है अगर स्पाइन पे गलती से भी स्पाइन टूटता है तो आप जिंदगी भर के लिए लावारिस हो सकते हो, अपाहिज हो सकते हो। तो उसके बावजूद उसने मारा, और उसके बाद उसने क्या किया, जान से मारने की धमकी भी दे दी। अब जान से मारने की धमकी एक दो बार नहीं दी, मल्टीपल टाइम्स थी, कम से कम जितना मुझे पता है 3 बार तो दी ही थी उसने धमकी जान से मारने की, और ऑफ कैमरा भी उसने कई बार जान से मारने की धमकी दी। अब ये सब होने के बाद जब लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद वो वापस जा रहे थे, तो वो जो बंदे लाया था उनमें से कुछ बंदे मेरे को मतलब होता ना एक प्यार से धमकाने वाला सीन कि भाई सॉरी बोल दे, ले रहा पंगे ये वो। भाई मैं तो अपने चीज़ों पर अटल था, मैंने बोला मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने गलती तो की नहीं है। उसके बाद एलविश ने भी थोड़ा ट्राई किया था सॉरी बुलवाने के लिए, लेकिन मैंने उसको भी सॉरी नहीं बोला। और ये सब जब हुआ तो शुरू में मेरे को लगा मेरे को सिर्फ यहाँ चोट आई है क्योंकि मेरे को कहीं पे भी दर्द फील नहीं हो रहा था, तो मेरे को शुरू में सिर्फ यहाँ चोट आई। उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मेरे को यहाँ पे दर्द होना शुरू हुआ, और फिर 2-3 घंटे बाद मेरे पूरे स्पाइन में दर्द होना शुरू हुआ, और इस तरीके से हुआ कि मैं सो ही नहीं पाया। सुबह 4 बजे मैंने सोने का ट्राई किया था, मैं दोस्त के घर साकेत गया हुआ था, मैंने सोने का ट्राई किया, अनफॉर्चुनेटली मैं दर्द से सो ही नहीं पाया। उसके बाद हम जब दर्द हो रहा था तो हम गए वहाँ पे मैक्स हॉस्पिटल साकेत के मेडिकल निकलवाने, तो उन्होंने मना कर दिया विदाउट FIR नहीं होगा। तो मेरा यही था, मेरा दिमाग शॉक में था, FIR हमने की नहीं थी। फिर हमने डिसाइड किया कि दोपहर के 12 बजे के आसपास हम FIR करेंगे लॉज, और उसके बाद मेडिकल करवा लेंगे पुलिस की मदद से ही। तो हम गए FIR करने। अब जब FIR करने गए तो हमने पूरा बता दिया कि भाई ये सेक्शन लगाना है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, साफ साफ दिख रहा है। तो जो SHO थे उन्होंने बहुत अच्छे से बात की। उसके बाद SHO अपने इंस्पेक्टर के फ़ोन में कॉल करते हैं, बोलते हैं कि पूरा इसको ना पब्लिक मत करना, गुप्त तरीके से रखना, हम लोग गुप्त तरीके से लड़ेंगे। मेरे को तभी डाउट था कि FIR को दबाने की कोशिश की जाएगी, और वही हुआ। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें एलविश के ऊपर एक भी वो सेक्शन नहीं लगा जो मैंने FIR में लिखवाई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का एक भी सेक्शन नहीं है उसमें। तो कुल मिला के मैं क्या समझूं, अगर आपके पास पैसा हो तो आप FIR भी बदल सकते हो। मतलब हरियाणा में इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है कि एक बंदा आता है मारता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, उसको पुलिस पकड़ के लेके नहीं जाती। यहाँ पे इस बात को 24 घंटे हो चुके हैं और वो बंदा अभी हंस रहा होगा कि उसको कोई पकड़ के नहीं ले गया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा होगा। मैं हरियाणा के CM खट्टर जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस गुंडे एलविश यादव को अरेस्ट करवाओ, इसका बैकग्राउंड बहुत खराब है। जिस तरीके से यूथ को इंस्पायर कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, उससे साफ साफ पता लग रहा है यूथ बहुत गलत वे में मोटिवेट हो रही है इससे, और ये चीज़ बहुत ही खराब है। तो खट्टर जी, मैं इंडिया के कानून पे बहुत भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर यहाँ पे नाइंसाफी हुई तो एक तरीके से बहुत सारे लोगों को ये तो समझ में आ जाएगा कि इंडिया का कानून सिर्फ गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं बना है। तो मैं नहीं चाहता कि ये कानून भी, ये FIR भी दब जाए, और साफ साफ पता लग रहा है दबाने की कोशिश की जा रही है इस FIR को। अगर ये FIR दबता है तो ये इंडिया के कानून की हार है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा गुरुग्राम पुलिस को और खट्टर जी को इस ट्वीट में टैग करो, और उनको रिक्वेस्ट करो कि एलविश यादव को जितनी जल्दी हो सके, इस गुंडे को जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट करा जाए, क्योंकि अगर कोई भी ऐसे मार के निकल जाएगा और फिर अपने स्टोरी में डालेगा कि भाई वर्क डेड, तो खुल्लम खुल्ला यही है कि वो वायलेंस को प्रमोट कर रहा है और उसको पता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो एक तरीके से ये इंडिया के कानून की हार है। तो
अभी जो मैं FIR लिखवा के आया था, मुझे उसकी कॉपी भी नहीं मिली और मुझे लगता है मिलेगी भी नहीं। बोला तो वैसे सुबह मिल जाएगी, लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि FIR के जो सेक्शन है वो बहुत अलग किए गए। तो इंडिया के कानून का मजाक ना बने, तो आप लोगों से एक आखिरी बार रिक्वेस्ट है, CM खट्टर जी को गुरुग्राम पुलिस के ऊपर टैक्स अटैक किया जाए, ताकि ये मामले को वो लोग सीरियसली ले। इन द एंड अगर इस बीच में मुझे कुछ भी होता है, मेरे पे कोई भी जानलेवा हमला होता है, इसका जिम्मेदार एलबीश यादव होगा, या फिर उसके दोस्त होंगे, या फिर गुरुग्राम पुलिस होगी जिसने मेरे FIR को पूरा का पूरा बदल दिया और पता नहीं क्या FIR लिख दिया। और ये इंडियन कानून की बेइज्जती है, ये तो मैंने देख लिया। कुछ नहीं भाई, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो कुछ भी कर सकते हो, ये तो मैंने देख लिया भाई।